नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। सितंबर के महीने में मौसम विदाई का समय शुरू होने लगता है। इसी बीच देश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की मार दोस्तों इस समय देखने को मिल रही है। कई जिलों में बाढ़ आ गई है। भीषण भारी बारिश की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। पानी का दबाव बढ़ने से सोनभद्र के रिहंद बांध के 7 गेट खोल दिए हैं। वहीं मिर्जापुर के अदवा बैराज के 5 गेट खोलने पड़े। एटा में 8 फीट का मगरमच्छ नदी से निकलकर सड़कों पर घूमता हुआ नजर आया है। मौसम विभाग ने 28 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मैनपुरी, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद में आज स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की कई नदियां इस समय उफान पर हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, सरयू नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। 21 जिलों के करीब 450 गाँव पानी में डूबे हुए हैं। आगरा में बुधवार को इतनी भारी बारिश हुई है कि सड़कों पर 2 फुट तक पानी जमा हो गया है। झांसी में भारी बारिश से मकान गिर गए हैं। मलबे में दबने से किसान की मौत हो गई है। ब्रज मंडल में 16 घंटे तक भारी बारिश हुई। कानपुर नगर में 120.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश की वजह से धान, मिर्च और बाजरे की खेती को तगड़ा नुकसान हुआ है। राज्य के कई जिलों में आज फिर से मूसलाधार बारिश हो रही है। सुबह से ही मौसम पूरी तरीके से खराब है। मौसम विभाग का कहना है कि इस पूरे हफ्ते तक दिल्ली, नोएडा, NCR के आसपास के इलाकों में जबरदस्त दोस्तों बारिश होती रहेगी। फिरोजाबाद में जोरदार बारिश हुई। दुकानों और घरों में पानी भर गया है। वहीं दोस्तों सड़कों में पानी भर गया है, जिसके चलते यातायात ठप हो गया है। जगह जगह फॉल्ट होने से बिजली भी गुल है। मौसम विभाग ने आज कानपुर देहात, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, हरदोई, शामली, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी के अंदर इस समय कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। वाराणसी के अंदर गंगा नदी बेकाबू है। प्रयागराज के अंदर भी गंगा और यमुना उफान पर चल रही है। आसपास के गांव का संपर्क टूटा हुआ है। कहीं पर पुल टूट रहा है, कहीं पर दोस्तों सड़कें बंद हैं। तो आज रात सावधान रहें, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें, नदी नालों से दूर रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।